कल हमारे इंडियन सिनेमा में पूरे 28 साल के बाद एक फिल्म के सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि आज से ठीक 28 साल पहले कमल हसन की फिल्म इंडियन रिलीज हुई थी। और उस समय कमल हसन की ये फिल्म काफी ब्लॉकबस्टर रही थी और कमल हसन की इस फिल्म को ए शंकर ने ही डायरेक्ट किया था। और 1996 में इस फिल्म के अंदर कमल हसन ने ही अहम भूमिका निभाई थी। और अब 2024 में पूरे 28 साल के बाद इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है। और कल रात को कमल हसन की इंडियन 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि पूरे 2 मिनट 37 सेकंड का है। और इंडियन 2 फिल्म का ये ट्रेलर काफी शानदार तरीके से काटा गया है, जहां पर इस ट्रेलर के अंदर ही हमें पूरी फिल्म की कहानी दिखा दी जाती है। क्योंकि अब पता नहीं इस ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म को देखने के लिए कौन ही जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर पढ़े लिखे लोगों के लिए काम नहीं है, लेकिन अगर काम है तो फिर भी उनके लिए उस लायक पगार नहीं है। और वो लोग जो टैक्स भी भरते हैं, लेकिन उन्हें सभी फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती है। यानी ये फिल्म हमारे इंडिया की हालात पर होने वाली है, यानी इस फिल्म को लेकर भी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जरूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चोर जो कि चोरी करता ही रहेगा और अपराधी जो कि आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तब सिद्धार्थ बताते हैं कि हम ब्लेम करते रहते हैं सरकार को तो कभी सिस्टम को, लेकिन हम लोग सिस्टम को सुधारने के लिए तिनका भी नहीं हिलाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए एक हंटिंग डॉग तो आना चाहिए, जिसके बाद हमें कमल हसन की इंडियन फिल्म की थोड़ी सी कहानी हमें दिखाई जाती है, जिसके बाद धमाकेदार तरीके से कमल हसन की एंट्री की जाती है। यहाँ पर हमें कमल हसन बहुत सारे अलग अलग किरदारों में नजर आते हैं, तो इसी के साथ लगातार एक्शन करते हुए भी नजर आते हैं। और इस ट्रेलर को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म के डायरेक्टर ए एस शंकर ने इस फिल्म के अंदर अंधा पैसा उड़ाया है, जो हमें इस फिल्म के ट्रेलर के एक एक सीन के अंदर नजर आता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर से मुझे तो बस एक वो कछुआ दे दो, और जिसके ऊपर वो कछुआ चल रहा है वो भी दे दो, फिर तो मेरी जिंदगी एकदम मस्त मलाई मार कर चलेगी। लेकिन ये सारी बातें एक साइड, लेकिन इंडियन 2 फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार नजर आ रहा है, जिसके अंदर कमल हसन इतना एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं जितना एक्शन तो हम अपने 25 साल के अंदर भी नहीं कर सकते हैं। और इस फिल्म के अंदर म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदन देने वाला है, यानी कमल हसन की इंडियन 2 फिल्म के सॉन्ग्स और इस फिल्म का बीजीएम भी काफी दमदार होने वाला है। लेकिन कमल हसन की इस फिल्म के अंदर हमें कुछ नई कहानी तो देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहीं पर पुरानी घिसी पिटी कहानी, जहां पर अमीर लोग जो गरीब लोग का शोषण करते हैं और फिर इसके बाद एक फरिश्ता आता है जो उनके पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, और ऐसे ही कुछ कहानी हमें कमल की इंडियन 2 फिल्म के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह इस फिल्म का ट्रेलर हमारे सामने आता है, तो वो इस फिल्म के लिए हमारी एक्साइटमेंट को तो बहुत बढ़ाता है। और इसी के साथ कमल हसन की इस फिल्म का बजट जो कि 250 करोड़ का होने वाला है, जो कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर भी हमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि कमल हसन की इंडियन 2 फिल्म के अंदर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और कमल हसन की ये फिल्म जो कि 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो आपको कमल हसन की इंडियन 2 फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। लेकिन इनको कोई भी